Dear students of class 11th, welcome in SNS Maths class. So, हम लोग अपने topic sequence and series को और आगे continue कर रहे हैं और ये third video है हमारा sequence and series topic का. इसके पहले भी two videos already upload किए हुए हैं और उन two videos में हम लोगों ने क्या किया था कि जो arithmetic progression का topic है, so arithmetic progression से हम लोगों ने nth term और sum of n terms तक हमने स्टडी किया था और साथ में हमने एनसीईआरटी की टू एक्सरसाइजेस एनसीईआरटी की कंप्लीट किया था. यानी हम एसएन और टीएन से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस हैं ना, उन क्वेश्चनों को ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. सो आज हम इस छोटे से लेक्चर 3 में एक छोटा सा वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपकी आरडी शर्मा की 19.3 एक्सरसाइज को. दैट मीन फॉर द न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जैसे कि क्या था ना कि अभी हमने पिछले वीडियोज में न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए एनसीईआरटी को चूज किया था, लेकिन आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन यानी एग्जाम्पल्स के लिए आरडी शर्मा की बुक को चूज कर रहे हैं. द रीजन इज क्योंकि एनसीईआरटी में उस टाइप का एक दो ही क्वेश्चन है और इस छोटे से वीडियो में छोटा सा कॉन्सेप्ट स्टडी करने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट के लिए आई हैव सेलेक्टेड दिस बुक. सो लेट अस कम टू दैट टॉपिक. कई बार क्या होता है कि ना, हम जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने जाते हैं तो आपको एपी में कुछ टर्म्स की जरूरत होती है. जैसे टॉपिक का नाम नजर आ रहा है, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी. सी, ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे जहां पर आपको 3 टर्म्स इन एपी और 4 टर्म्स इन एपी और 5 टर्म्स इन एपी की जरूरत होगी. तो आप 3 टर्म्स इन एपी मीनिंग सिंपल a a + d a + 2d भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको 3 टर्म्स एपी के लेने हैं और अगर हम उसको a - d a a + d लेंगे स्पेसिफिकली कि हम इन्हीं को लें a - d a और a + d, तो ये क्वेश्चंस वो इस तरह के डिजाइन होंगे कि ये सिलेक्शन हमारे क्वेश्चन को इजी बनाएगा. सी, सिलेक्शन हमारा ये भी हो सकता है, स्टूडेंट कह सकता है कि व्हाई नॉट दीज आर ऑल्सो द 3 टर्म्स इन एपी, भाई ये भी तो 3 टर्म्स है एपी का, सो हम इनकी जगह पर ये क्यों ले रहे हैं. असल में वो क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन होते हैं कि अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो जो सम ऑफ द टर्म्स, यहां मैं क्या करता हूँ, सम ऑफ द टर्म्स के लिखता हूँ. सो सम ऑफ द टर्म्स कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, जिसमें डी कैंसिल हो गया. तो क्वेश्चन इस तरह का होगा जिसके अंदर सम ऑफ द टर्म्स गिवन होगा. इवन अगर 4 टर्म्स आपको चाहिए तो हमारा सिलेक्शन होगा a - 3d a - d a + d a + 3d, और इवन फॉर 5 टर्म्स वी चूज लाइक दिस a - 2d a - d a a + d a + 2d. सी, ऑड नंबर्स के लिए, फॉर ऑड नंबर्स हम लेने पहले कॉमन डिफरेंस d लिया है एंड देन हम कॉमन डिफरेंस 2d ले रहे हैं. नहीं, लेकिन जब हम इवन नंबर ऑफ टर्म्स लेंगे तो क्या करेंगे, एक एक टर्म छोड़ के लेंगे. हमने कॉमन डिफरेंस 2d रखा है, लेकिन साथ में क्या किया, हमने 3 के पास सीधे 1 पे गए, 1 से फिर हम -3 से -1 पे गए, यानी -2 इज नॉट देयर, 0 नहीं है, फिर हम +1 पे गए, +3 पे. ओके, सो दैट मीन यहां पर क्या हो रहा है कि d का डिफरेंस ले रहे हैं, लेकिन यहां पर हम 2d का डिफरेंस लेके क्वेश्चन कर रहे हैं. और इन तीनों सिलेक्शन में जो आपके सामने जो 3 सिलेक्शन नजर आ रहे हैं, इन सभी में एक इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि सम करने जाएंगे तो यहां 3 टर्म्स है तो सम 3a आएगा. यहां पर अगर सम ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करेंगे तो 4 टर्म्स है 4a होगा और यहां पर 5a आएगा. यानी किसी भी सम के अंदर d नहीं है. तो अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि जिसके अंदर सम ऑफ टर्म्स गिवन है, तो ही इस तरह का सिलेक्शन हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, हमारे क्वेश्चन को आसान बना देगा. लेकिन अगर सम ऑफ टर्म गिवन नहीं है, सपोज कोई एक ऐसा क्वेश्चन मेरे सामने आ गया इन विच सम ऑफ टर्म्स इज नॉट गिवन, तो उस केस में वेदर यू आर सिलेक्टिंग दीज और यू आर सिलेक्टिंग लाइक दिस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके क्वेश्चन के ऊपर. उसमें आप इसको भी सिलेक्ट कीजिए, कोई बात नहीं. लेकिन अगर सम ऑफ टर्म्स गिवन है तो हमारा चॉइस, हमारा सिलेक्शन ऑफ टर्म्स जो भी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, यही होना चाहिए. आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं. सो इसके लिए 19.3 एक्सरसाइज है, देर आर 6 क्वेश्चन और हम वो 6 के 6 क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करने जा रहे हैं. जैसे क्वेश्चन नंबर 1, आप देख लीजिए, सम है, सम ऑफ द 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 21. तो जैसे मुझे पता लगा कि सम गिवन है और हमें एपी, तो हमने क्या किया उस एपी को के टर्म्स को 3 टर्म्स यानी a - d a और a + d हमने चूज कर लिया, राइट. अब ये लेट दीज आर द 3 टर्म्स, हम लिखेंगे कि लेट 3 टर्म्स ऑफ एपी आर दिस. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनका सम मतलब कि a - d + a + d जो है ये इक्वल हो गया 21.
Now, if it is 21, it means 3A हमारा 21 है, यानी A हो गया अब 7. Now, A is 7. अब A हमारा 7 आ गया, अब हम क्या करेंगे, मतलब ये benefit होगा आपको, इस तरह के जो भी questions है ना, उसमें पहले step में A calculate हो जाएगा. अब हम जब second condition use करेंगे, तो D calculate हो जाएगा. जैसे इसमें है, the product of the first and third term, यानी first term, A minus D है. Again, according to question लिख सकते हैं ना, दोबारा हम question के हिसाब से ही चल रहे हैं कि A minus D, first term, और third term का जो product है ना, वो क्या है, second term से 6 ज़्यादा है. अब second term क्या है, A, A में 6 add करेंगे तो equal हो जाएगा ना, क्योंकि ये second term से 6 ज़्यादा है. Okay, so now what we are getting, A square minus D square is equal to A plus 6. अब a हमारा क्या है 7 तो 49 माइनस d स्क्वायर और यहां कितना होगा 7 प्लस 6 13 दैट मीन d स्क्वायर आ गया 36 सो d हो गया हमारा प्लस माइनस 6 हम प्लस ले या माइनस ले आंसर एक ही आएगा सपोज हमने प्लस d लिया सो देखना क्या हो जाएगा a माइनस d d और a प्लस d सो a प्लस d इज 7 प्लस 6 ओके Now the sum is 21. लेकिन अगर मैं minus लेता हूँ तो अगर मैंने minus लिया है तो क्या हो जाएगा 7 plus 6 है ना minus d ले रहे हैं ना हम d की जगह पर a again a तो ये हमने 7 की जगह 6 लिख दिया है a again 7 और यहाँ a plus d ना so a अब इसमें answer आया 1713 यहाँ answer हो गया 13, 7, 1 यानी आंसर सेम है सिर्फ उसका ऑर्डर चेंज हो गया है ना प्लस माइनस डी लेने से इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना फर्क पड़ा है कि इसका ऑर्डर चेंज हुआ है सो आई होप कि यहां एक क्लैरिटी आ गई होगी कि हम क्यों थ्री टर्म्स व्हाई वी आर सिलेक्टिंग दोस थ्री टर्म्स हम उन्हीं को थ्री टर्म्स क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हियर इज अ क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है थ्री नंबर्स आर इन एपी अगेन स्टार्ट कर देंगे एंड इफ द सम ऑफ दीज नंबर्स बी 27 ये आसान है एंड द प्रोडक्ट उसका गिवन है 648 तो हमने फिर स्टार्ट किया हमने लिखा कि लेट द नंबर्स आर और लेट द नंबर्स इन एपी है ना नंबर्स आर सो अगेन आवर सिलेक्शन रिमेन सेम ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी नाउ व्हाट वी राइट कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन में कहा है कि इनका सम ना इनका सम मतलब कि a माइनस d a और a प्लस d का सम 27 है यानी इसका मतलब 3a 27 है बस यही इस क्वेश्चन को आसान बनाता है a 9 आ गया अब हम कहेंगे m द प्रोडक्ट अब इनका प्रोडक्ट मतलब a माइनस d इनटू a प्लस d और ये है 648 a 9 है ध्यान रखना है सो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर मीनिंग 9 का स्क्वायर माइनस d स्क्वायर आने वाला है और a को इधर ले आता है यानी 648 को 9 से डिवाइड कर लेते हैं 9 7 जा 63 ना और 9 2 सा 18 सो नाउ d स्क्वायर आ गया सिंपल 9 सो d हो गया प्लस माइनस 3 नाउ a पता है d पता है क्या करेंगे यहां पर पुट करेंगे और आंसर मिल जाएगा हमें और वो आंसर हो जाएगा हमारा 2 का 6 9 12 वो एक ही बात है प्लस माइनस से बस ऑर्डर रिवर्स होता और कुछ फर्क नहीं पड़ता राइट ना क्वेश्चन सिंपल है कैलकुलेशन क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट पूरी एक्सरसाइज है ना ये 19.3 के ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं व्हाटएवर क्वेश्चंस आर देयर जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द फोर नंबर्स इन एपी अब फोर नंबर की जरूरत हो गई तो फोर नंबर हमें क्या कहा था हम लेंगे a माइनस 3d a माइनस d 2 का डिफरेंस कर दिया हमने a प्लस d एंड a प्लस 3d हुज सम इज 50 यानी इनका सम 50 है तो चलिए बीच में एक प्लस साइन पुट करते हैं और e equal to 50 लिखते हैं अब वो आप लिख लेंगे ना let the four numbers in AP are this and according to question this so here what I get 4a जो है वो आया हमारा 50 यानी इसका मतलब a की वैल्यू हो जाएगी 25/2 अब नेक्स्ट देखते हैं and in which the greatest number अब greatest number कौन सा भाई greatest number है a plus 3d सबसे बड़ा is 4 times अब देखिए या तो ये greatest होगा या ये greatest होगा फर्क क्या पड़ेगा वो plus minus का फर्क पड़ जाएगा again है ना so a plus 3d is equal to 4 times the least that is a minus 3d मैं इसको यहीं simplify कर लेता हूँ
तो इससे क्या होगा, ए प्लस थ्री डी जो है वो ये हो गया 4a-12d, राइट। इसको इधर शिफ्ट करते हैं, इसको इधर शिफ्ट करते हैं, तो 12 और 3 15d जो है वो हो गया 3a के। सो ए हो गया हमारा सिंपल 5d, यहां तक ठीक है ना, ए हो गया हमारा 5d। लेकिन ए तो पता है हमें, है ना, यानी यहां से डी कैलकुलेट करने के लिए डी हो जाएगा 1/5a, और a था 25/2, 5 से कैंसिल करेंगे तो आ गया 5/2, नहीं डी, ए पता लग गया, डी पता लग गया। अब एक एक करके नंबर लिखना शुरू कर दो, जैसे पहला नंबर ए माइनस 3d, अब ए कितना है, ए है 25/2, डी 3 टाइम 5/2, 5 15, सो 10/2 इज 5। सिमिलर नेक्स्ट लिखेंगे ए माइनस डी, ए माइनस डी क्या होगा 25/2 और माइनस डी 5/2, 10 ना। अब मुझे एक चीज पता लग गया, 5 है 10 है, तो डेफिनेटली अगला नंबर 15 और 20 होने वाला है, एपी है ना, तो एपी में डिफरेंस तो एक जैसा ही होगा ना इसका, है ना। तो वहां हम क्या करते हैं कि फर्स्ट और सेकंड टर्म जैसे ही पता लग गया मुझे, सो नाउ आई हैव रिटन द थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, राइट। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। सो दीज 3 क्वेश्चंस आर गिवन इन लेवल 1। नाउ लेट्स सी कि व्हाट इज द चेंज, मतलब लेवल 2 में जो क्वेश्चंस है वो कैसे हैं और वो क्यों उसने लेवल 2 में रखा है। जैसे ये क्वेश्चन आया फोर्थ, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 12, द सम ऑफ 3 नंबर्स। ओके, सो अगेन अब चॉइस तो हमारी फिक्स है, ए माइनस डी प्लस का ए, ए प्लस का डी, है ना, और इनका सम है 12। लिखने का काम आप लोग कर लेंगे मुझे पता है। सो नाउ 3a इक्वल टू 12 लिखेंगे और यहां से क्या करेंगे, a की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स, सम ऑफ देयर क्यूब्स मीनिंग यानी a माइनस डी का क्यूब, a का क्यूब और a प्लस डी का क्यूब, ये आने वाला है 288। ए माइनस डी क्यूब, नाउ सी द कैलकुलेशन ना, ए प्लस डी का क्यूब, ए क्यूब 4 का क्यूब, सी हियर नाउ हमने क्या लिखा था, यहां से ए 4 था ना, सो 288 में से 4 का क्यूब 64 होगा ना, नहीं, सो ये आ गया 224, यानी ये 2 नंबर्स के क्यूब का सम 224 है, है ना। अब एक तरीका तो क्या है कि हम a की वैल्यू को पुट कर देते हैं, a तो हमें पता है 4, तो 4 माइनस हम क्या करते हैं, 4 माइनस d का क्यूब और 4 प्लस d का क्यूब, ये 224 है। तो मैं क्या करता हूं कि 4 माइनस d और 4 प्लस d के क्यूब को ओपन कर देते हैं, सो d में एक क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, है ना। उस इक्वेशन को सॉल्व करके आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्रिक लगा सकता हूँ, कैसे, ये 224 मुझे क्यों ऐसा फीलिंग दे रहा है कि अगर हम 2 का क्यूब कर दें, है ना, 2 मीनिंग है ना, और 6 का क्यूब, नाउ 6 का क्यूब होता है व्हाट इज 6 क्यूब, 6 क्यूब होता है हमारा 216 और 8 224। इसका मतलब ये लग रहा है मुझे कि 4 माइनस डी 2 होना चाहिए और 4 प्लस डी 6 होना चाहिए, है ना, इसका मतलब डी का वैल्यू 2 होना चाहिए, है ना, यहां से भी यस डी का वैल्यू 2 आना चाहिए। सो नाउ इफ वी टेक डी इक्वल टू 2, अब ये वेरीफाई कर लीजिए, ये बिल्कुल सही आएगा। सो नाउ ए 4 है और अगर डी 2 है तो नंबर्स कितने हो जाएंगे, 4 माइनस 2 4 एंड 4 प्लस 2, सो हियर इज आंसर। जब आप सॉल्व करेंगे तो डी प्लस माइनस 2 आएगा, तो वहां पर प्लस माइनस 2 से अगेन यही 3 नंबर्स आने वाले हैं। लेकिन एक तरीका और है इसको सॉल्व करने का, सपोज यू आर नॉट गेटिंग दिस ना, अच्छा ये इस क्वेश्चन में अप्लाई हो गया क्योंकि डी होल नंबर के फॉर्म में था, अगर डी फ्रैक्शन में होता ना तब हम ये मेथड नहीं अप्लाई कर सकते थे, तब हम इस इंस्पेक्शन और ट्रायल मेथड पे नहीं जाते, तब तो क्या करते भाई हम इसको ब्रैकेट ओपन करते, हमें पता है कि ए माइनस बी का क्यूब, बाइनोमियल भी पढ़ा हुआ हमने, वैसे भी पता है हमें कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b और प्लस 3ab² के इक्वल होता है। ऐसे ही हमें पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब वो हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b और प्लस का 3ab². सो व्हाट वी डू, वी अप्लाई दिस एंड देन वी कैलकुलेट। वो भी कैलकुलेशन बहुत मुश्किल नहीं होगी क्योंकि देखिए b की जगह पर d है, एक में प्लस है एक में माइनस है, जब हम ऐड करेंगे ना तो वो कैंसिल हो जाएगा,
है ना, वो दोनों सिंपली कैंसिल हो जाएंगे। यानी अगर मैं चाहूँ यहाँ पर, अगर हम चाहें तो क्या करते हैं कि हम एक लिख के देखें कि जब हम कभी इन दोनों को ऐड करते हैं, हमने कभी जरूरत नहीं पड़ी, हमने नहीं किया, तो क्या हो रहा है, टू ए क्यूब आ रहा है, डी क्यूब कैंसिल हो गया, राइट। और ये थ्री ए बी स्क्वायर, थ्री ए बी स्क्वायर, यानी ये ठीक है, सिक्स ए बी स्क्वायर। और यहाँ पर माइनस का थ्री ए स्क्वायर भी और प्लस का थ्री ए स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, है ना। सो दैट मीन यू हैव ओनली दिस। सो सी हियर, डी हमारा अननोन, बी स्क्वायर एक आएगा और वो कैलकुलेट हो जाएगा। सो कैलकुलेशन, इवन इस मेथड की जगह पर अगर हम ये ब्रैकेट्स को ओपन करते ना, तब भी हमारा कैलकुलेशन बहुत टिपिकल या बहुत मुश्किल नहीं होने वाला था। ओके, वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव। देर आर सिक्स क्वेश्चन, क्वेश्चन फाइव ये एनसीईआरटी में भी है, यानी एनसीईआरटी में ये इकलौता क्वेश्चन उस एक्सरसाइज में होगा। इफ द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज 28, ये बहुत अच्छा करता है भाई कि बस थ्री नंबर्स देता वो और सम। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस दीज क्वेश्चन इज कि सभी क्वेश्चन में सम गिवन है, और सम गिवन होने के कारण क्या होता है कि पहले ही स्टेप में ना ए कैलकुलेट हो जाता है, और ए कैलकुलेट हो गया, रेस्ट क्वेश्चन हमारा बहुत सिंपल हो जाएगा। इफ द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज 24 एंड देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब हो गया कि a माइनस डी, a तो 8 हो गया, लिख ही देते हैं, और a प्लस डी इक्वल टू 440। सो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 440 बाई 8। सो 8 फाइव ज़ा 40, ठीक लिखा है ना भाई, पहले 44 में 8 फाइव ज़ा ही लगेगा, और a है हमारा 64। So 64 minus d square is equal to 55. So d square is 64 minus 55, 9. So d equal to plus minus 3. Now you get the d na? D pata lag gaya, a pata hai, answer calculate kar lijiye. Aur hum kya karte hain? Let us move toward the next question. I hope one more question is there. Yes, question number 6. The angles of a quadrilateral are in AP. Okay, kitne angles hote hain bhai? फोर एंगल्स होते हैं ना। सो अगर फोर एंगल होते हैं तो इसका मतलब ए माइनस, हमें क्या सिलेक्शन होना चाहिए हमारा, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस थ्री डी। इफ देर आर फोर एंगल्स, यानी क्वाड्रिलेटरल के फोर एंगल होते हैं, अगर वो एपी में है तो हम यही चूज करेंगे ना। अब इसमें कहीं सम नहीं लिखा हुआ है, बट स्टिल वी आर सिलेक्टिंग दिस, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम 360 होता है, है ना। यानी इन जब सबको ऐड करेंगे तो 4a आ जाएगा और वो हमारा 360 होगा। इसका मतलब a सिंपली 90 हो गया। अब a 90 है एंड कॉमन डिफरेंस d जो है वो 10 है, तो अगर d को 10 लेंगे तो फर्स्ट में क्या करना है, हमें 90 में से 30 को सबट्रैक्ट कर देना है, सेकंड में क्या करना है, 90 में से 10 को सबट्रैक्ट करना है, नेक्स्ट में क्या करना है, 90 में 10 ऐड करना है और 90 में 30 को ऐड करना है। नाउ दिस क्वेश्चन इज रिटन एज माय आंसर इज डिफरेंट, व्हाई माय आंसर इज डिफरेंट वन, इज देयर एनीथिंग, इज देयर समथिंग एल्स इज देयर ना। फाइंड द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इन एपी, द कॉमन डिफरेंस इज 10, फाइंड द एंगल्स। ओके, आई हैव रिटन दिस ना, सो 360 होता है ना भाई, और 360 को 4 से डिवाइड करके आएगा, इट इज 90, बिल्कुल सही है, नहीं 90 बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हमारे एंगल्स क्या हैं, इफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी, लेट इट बी ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी। सो नाउ द सम इज, और क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम 360 होता है, बिल्कुल ठीक। सो 4a जब लिखेंगे, जब सम करेंगे तो 4a आएगा, अब 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 90 आने वाला है, ये भी ठीक है, और d 10 दिया हुआ है, तो जब d को हम 10 लेंगे तो 90 में से 30 सेपरेट करेंगे तो 60 आएगा, बट बुक में आंसर थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है, दैट मीन देयर इज सम मिस्टेक, है ना, थोड़ी सी कोई मिस्टेक है, आइदर उन्होंने कॉमन डिफरेंस जो ये 10 लिया हुआ है ना, ये 10 नहीं होगा, है ना। सो देयर मे बी ए प्रिंटिंग मिस्टेक हेयर, बिकॉज बुक का जो आंसर है, बुक में 75, 85, 95, नाउ जो बुक में आंसर लिखा हुआ है, लेट मी राइट इट दैट ऑल्सो, बुक मेरे सामने रखी हुई है जिसमें 75, 85, 95 और 105 लिखा हुआ है। सी हेयर, 90 में से 75 जाने के लिए मुझे चाहिए 15, और 15 के लिए अगर इस 5 डिग्री जगह, ये 10 डिग्री जगह 5 डिग्री कर दें तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। ओके,
सो दैट मे बी ए सिंपल प्रिंटिंग मिस्टेक, और कुछ नहीं है. वी नो द कॉन्सेप्ट ना. सो अगेन दीज थ्री क्वेश्चन, लास्ट थ्री क्वेश्चन आर ऑफ लेवल टू. आई डोंट थिंक कि देर इज मच डिफरेंस बिटवीन द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1-3 और क्वेश्चन नंबर 4-6. ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं. सब में एक चीज कॉमन है कि सम दिया हुआ है, यानी सबका सिलेक्शन एक तरीके से होगा. यानी इस एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे ही ये सारे के सारे क्वेश्चंस बने हुए थे. सो हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया और साथ में हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए. सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे. और ऑलमोस्ट ये जो फर्स्ट थ्री वीडियो था, ओके, हम इलेवंथ की एपी को स्टडी कर रहे हैं और इलेवंथ की एपी में ओके दीज क्वेश्चन आर देयर इन एनसीईआरटी में है भी, लेकिन ये सभी चीजें ऑलमोस्ट वही हैं जो हमने डायरेक्टली इनडायरेक्टली टेंथ में भी पढ़ा है. हो सकता है एक दो क्वेश्चन वो टेंथ क्लास में उस स्टैंडर्ड के नहीं हो. सो अब हम लोग जो मूव करेंगे, अब हम मूव करेंगे अर्थमेटिक मीन पे, और अर्थमेटिक मीन हमारे टेंथ क्लास का नहीं था. सो दैट मीन नाउ ऑनवर्ड वट एवर वी आर गोइंग टू लर्न दैट इज नॉट देयर इन क्लास टेंथ. तो हम नई चीज लेके स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अर्थमेटिक मीन. और एक वीडियो हम लोग डेडिकेट करेंगे सम प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, जो हमारी यहाँ पर कुछ मिसलिनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, और मे बी बाकी वो बहुत कम है. तो हमने क्या किया, अगेन हम आर डी शर्मा की एक और एक्सरसाइज को कंप्लीटली सॉल्व करेंगे जिसमें हम प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं. दैट मीन टू और वीडियोज तो एपी का जरूर आने वाला है इस थ्री के बाद. देन वी मूव टूवर्ड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.